हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी बीमार ज़रूर होते हैं, और जब कभी हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट कराने के लिए कहता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये टेस्ट करता कौन है? तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये एक लैब टेक्नीशियन करता है। अब बात ये आती है कि एक लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और ये कितने साल का कोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपने 12th यानी कि 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की है और आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं हम कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप DMLT कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये आपका 2 साल का कोर्स होता है और ये एक डिप्लोमा डिग्री होती है। दूसरा, आप BMLT कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है और ये एक बैचलर डिग्री होती है। आपका BMLT ज़्यादा बेहतर होता है इस कम्पेयर टू DMLT, क्योंकि BMLT एक बैचलर डिग्री है और DMLT एक डिप्लोमा डिग्री है। आप BSc MLT भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी कराए जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी कम होती है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की, तो कुछ कॉलेजों में एडमिशन मेरिट के बेस पे लिया जाता है, यानी कि आपके 12th के मार्क्स के बेस पे लिया जाता है। तो वहीं कुछ स्टेट अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराते हैं। अब बात करते हैं जॉब्स की, कि ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी। तो सबसे पहला तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, दूसरा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, और तीसरा आप खुद का अपना एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हो। दोस्तों, अभी आप सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, फॉर्म कब आएंगे, प्राइवेट कॉलेजों की फ़ी क्या होगी, और इसका स्कोप क्या है, सैलरी क्या होती है, और आप अगर BMLT या DMLT करते हैं और आगे और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, जहाँ पर आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आप और भी डिप्लोमा और बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में एक्सरे का अलग डिपार्टमेंट होता है, CT स्कैन और MRI का अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक्स का अलग होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन एक अलग ही होता है, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इन सभी का अलग से डिप्लोमा और बैचलर कोर्स होते हैं। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को भी कर सकते हैं, और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं इन सभी के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसे भी डिप्लोमा होते हैं जिन्हें आप 10th के बाद ही कर सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा।